हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेयर केस का प्लान दिखाने वाले हैं। स्टेयर केस के प्लान के बाद दिखाने के बाद आपको बताएंगे उसका शटरिंग कैसे लगाते हैं हम लोग ऑफलाइन, कितना डिस्टेंस लेना पड़ता है, कितना एंगल लेना पड़ता है और कितना उससे हम इसका लैंडिंग कितना है, इसके बारे में हम प्रॉपर वे में आपको बताएँगे। जैसा कि ये हमारे साइड पर अभी चल रहा है, ये हम ग्राउंड फ्लोर का शटरिंग लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है मेरा, ठीक है। ये स्टेयर केस है, ये स्टेयर केस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है वो 2085 दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से मेरा एक स्टेप उठ रहा है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और पांचवा स्टेप है ये मेरा। ये जो कुछ मतलब दूसरे टाइप का स्टेयर है जिसे कि बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अब हम आपको बताएंगे इसका। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लैंडिंग कितना है। ये लैंडिंग मेरा दिया हुआ है 1750, आपको दिखाई दे रहा है ये 1750 लैंडिंग, ये 1750 ये लैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्टेयर अप डाउन अप हो जाएगी और ये मेरा बॉटम से जा रहा है और इसमें मेन फंडा ये है आपका। हाँ दोस्तों, मैं इसलिए इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शटरिंग कैसे हम लगाएंगे। शटरिंग जब लगाते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है वो 285 हो गया। उसके बाद जब हम शटरिंग को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से हम एक स्टेप उठा के चलते हैं, मतलब जो मेरा ट्रेड दिया हुआ है, जो ट्रेड आपको दिख रहा है 300 mm का, उसको इस 2085 में मैं उसको जोड़ के तब पहला स्टेप उठाऊंगा। उसके बाद शटरिंग को टिल्ट करूंगा, टिल्ट करने के बाद उसको एक स्टेप मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले आऊँ तो एक स्टेप जब लैंडिंग में लूँगा तो उसका एक स्टेप कम कर दूँगा। उसी हिसाब से जब मैं इसके स्टार्टिंग करूँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, एंड पॉइंट पे एक स्टेप कम ले लेता हूँ, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, फिर एक स्टेप कम ले लूँगा। मैं ये आपको लाइव एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, गौर से देखिएगा। हाँ दोस्तों, आप देखिए कैसे इसको मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही मैं बताया था कि इस बीम से 2085 यहाँ पे उठा हुआ है, उसके बाद 300 का ट्रेड है, मतलब 2085 प्लस 300 मतलब 385 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद ये फ्लाइट है मेरा 3300 mm का फ्लाइट के बाद फिर जो मेरा लैंडिंग बनेगा, मतलब ये जो मैं आपको दिखाया था ये लैंडिंग 1750 का था, उसमें से मैं 300 माइनस कर दूंगा, 300 माइनस करने के बाद मेरा ये लैंडिंग आ जाएगा आपका 1400 का, ये लिखा हुआ 1450, ये मेरा लैंडिंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैं जैसे कि मेरा जो कॉलम है उससे मैं 400 mm लेके 800 mm टॉप करूँगा तो उसका मेरा वो आ जाएगा टॉप बेस आ जाएगा। वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि इसका थिकनेस कितना है 175 mm है और इधर लैंडिंग 1750 है। फिर उसके बाद एक ट्रेड मैं यूज़ करूँगा 300 mm का, ये मेरा लैंडिंग कहलाएगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लाइव एग्जांपल देखिए क्या है इसका स्थिति। मतलब ये जो 2085 डिस्टेंस लिखा हुआ वो इस कॉलम से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस है ये बीम का, मतलब ये बीम तक का डिस्टेंस दिया हुआ है इस कॉलम से लेके, इस कॉलम से सामने वाले से लेके। उसके बाद मैं आपको जो दिखाया 300 जो ट्रेड उठाऊंगा वो 300 ट्रेड ये है, मतलब ये वाला मेरा 300 का है, यहाँ से लेके वहाँ तक का ये ट्रेड 300 है। उसके बाद स्टेयर जो है अपने आप उठ जाएगी, इसका जो एंगल रहता है स्टेयर का जो एंगल रहता है वो 25 डिग्री हम यूज़ करते हैं इसमें। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बताया था कि आपको लैंडिंग का जो डिस्टेंस है, ये लैंडिंग आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लैंडिंग का डिस्टेंस है वो मेरा 1750 दिया हुआ है, ये 1750 दिया हुआ है। बट मैं आपको ये बात भी बताया था कि जब ये मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, मतलब मेरा जो लैंडिंग का डिस्टेंस आ जाएगा वो मेरा आपको मैं नाप के दिखाता हूँ, ये देखिए 1400 आ जाएगा, ये 1400 मतलब माइनस 300 में कर दूंगा क्योंकि मैं एक ट्रेड पहले ही यूज कर चुका हूँ उसका। और फिर उसके बाद जब मैं दोबारा से स्टार्टिंग करूँगा तो एक ट्रेड फिर से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, ये वो वाला मेरा फर्स्ट लैंडिंग था, मतलब सेक्शन 1-1 था मेरा ये वाला सेक्शन जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं सेक्शन 2-2 का बात करूँगा, तो आप मैं बताया था कि जब सेक्शन 2-2 स्टार्ट करूँगा जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से 300 mm एक्स्ट्रा लेके चलूँगा, तो आपको ये दिख रहा होगा 1750 प्लस 300, मतलब मैं आपको देखिए डिस्टेंस नाप के दिखाता हूँ कितना आएगा इसका, देखिए दोस्तों ये है मेरा टेप,
और ये है डिस्टेंस इसका 2100, मतलब जो मेरा लैंडिंग था उसका 300 प्लस कर दीजिए आप, 2150 आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। यही होता है शटरिंग, कैसे हम फाइंड आउट बनाते हैं और इसका फाइंड आउट करते हैं कटिंग एरिया कैसे कैसे मेजर करते हैं। ये मेरा है, देखिए ठीक है, ओके बाय।